अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ यूपी का मशहूर चिकन। जी हाँ, आज मैं आपको यूपी के चिकन की रेसिपी देने वाली हूँ, जो कि यूपी का ट्रेडिशनल चिकन होता है। बहुत आसानी से बन जाता है और समय बहुत कम लगता है इसे बनाने में। तो इसे बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन उससे भी पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उसके साइड में लगे बेल के आइकन को, यानी कि घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। उससे आपको मेरी डेली अपडेट्स मिलेंगी। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और आपको अगर और भी चिकन की रेसिपीज चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर चिकन चंगेजी, चिकन चिली, कई तरह के आपको चिकन की वेज और नॉन वेज रेसिपीज मिल जाएंगी, और बहुत क्विक और इंस्टेंट रेसिपीज़ है, आपको बहुत पसंद आएंगी, तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो इसके लिए जो हमने सामान लिया है, मैंने लिया है आधा केजी चिकन। इसे मैंने साफ़ करके धो लिया था, और इसमें दो मसाले जाएंगे। दो मसाले हमें पीसने पड़ेंगे। ये मैं फ़िलहाल आपको मसाले दिखा रही हूँ, बाद में इसके बाकी मसाले भी मैं आपको दिखाऊंगी जो हमें पीसने नहीं पड़ेंगे। तो हमें एक जगह प्याज और हरी मिर्च पीसनी होगी। तो प्याज ली है मैंने एक लार्ज साइज़ की, जिसे मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। हरी मिर्च ली है मैंने 8 से 10। इन्हें मैंने पीछे से इनकी ये डंडी तोड़कर इन्हें धो लिया है। नारियल लिया है मैंने लगभग 2 टेबल स्पून कटा हुआ। थोड़ा सा लेंगे हम आधी जावित्री और जायफल, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, 1 टीस्पून जीरा, 10 से 12 काली मिर्च, और 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, और 5 ली है मैंने लहसुन की कलियाँ। तो हम सबसे पहले हरी मिर्च और प्याज को एक जगह पीसेंगे, और इन मसालों को हम एक जगह पीस लेंगे। अब मैं आगे आपको इसके दूसरे मसाले दिखाती हूँ। बाकी मसालों में हमने लिया है 1 कप दही, ये वजन में 100 ग्राम है। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है फुल भर के पिसा हुआ धनिया। लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, आधा टी स्पून ली है मैंने हल्दी। गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून, और एक स्मॉल साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है, इसे हम फ्राई करेंगे। एक लार्ज साइज़ की प्याज हमने पीसने के लिए ली थी। और नमक लिया है हमने हसबे ज़रूरत, यानी कि अपने स्वाद अनुसार। आप नमक ले सकते हैं, मिर्च और नमक को आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसमें हरी मिर्च भी डाल रहे हैं, अगर आप चाहें तो लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च इसमें ज़रूर डालें। इसमें असली टेस्ट हरी मिर्च का ही होता है। तो जो मसाले मैंने आपको बताए थे, प्याज और हरी मिर्च, हमें एक जगह पीस लेनी है, पेस्ट बना लेना है। और जो मसाले मैंने आपको पहले दिखाए थे उन्हें भी पेस्ट बना लेते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, दोनों मसाले हमने पीस लिए हैं, और यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे जो हमारी प्याज है स्लाइस में कटी हुई। और अब हम इस प्याज को अपनी लाइट ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। इसे हम लाइट ब्राउन कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बाकी कुकिंग दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया है। इस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा चिकन है। और अब हम इसमें अपने चिकन को कलर चेंज हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से चलाते हुए कलर चेंज हो जाने तक इसे फ्राई करना है। ये देखिए, इसका हम कलर चेंज हो जाने तक करते हैं फ्राई, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट था, जो मैंने आपको बताया था कि हमें इसका पेस्ट बनाना है। ये देखिए, हमने इसका पेस्ट इसमें ऐड कर लिया है, और अब हम इसके साथ इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अपने प्याज और हरी मिर्च को अच्छी तरह से भुन जाने तक, जब तक कि भुनकर ऑयल सेपरेट नहीं कर दे, हम इसे इसके साथ फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने प्याज और हरी मिर्च के मसाले के साथ इसे अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा है। यहीं पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा दूसरा मसाला मैंने आपको दिखाया था पीसने के लिए, जिसमें नारियल था और गरम मसाला था साबुत। अब इस मसाले के साथ हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं पहले, और इसे भून लेते हैं। ये देखिए, इस मसाले के साथ और हम इसे भून लेते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये बहुत टेस्टी बनने वाला है। यूपी का ट्रेडिशनल चिकन कोरमा है, बहुत टेस्टी होता है, और आपने देखा ही कितनी आसानी से बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत हेल्दी भी होता है। तो मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ ऑयल सेपरेट होने तक, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने भून लिया है, इसमें से भी ऑयल सेपरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है। यहाँ पर वक्त आ गया है जो हमारे पीसे मसाले हैं वो ऐड करने का, जैसे हल्दी पाउडर। हल्दी बहुत कम जाती है, कोई भी मीट मटन या चिकन आप बनाएं और पनीर, इसमें हल्दी और धनिया की मात्रा कम रखें, नहीं तो उसका टेस्ट ठीक नहीं रहता। ये हमने इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी है, साथ ही में जाएगा गरम मसाला पाउडर जो मैंने आपको दिखाया था, और साथ ही में यहाँ पर जाएगा हमारा धनिया पाउडर, और यहीं पर हम इसमें ऐड करेंगे नमक। ये देखिए नमक हमने इसमें ऐड कर लिया है, और अब इन सब मसालों के साथ हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उन मसालों के साथ भी हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा दही था, दही को मैंने फेंट लिया था, ये दही हमने इसमें ऐड कर दी है। दही हम सबसे लास्ट में ऐड कर रहे हैं। आप बिल्कुल इसी तरीके से इसे बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनने वाला है, बहुत टेस्टी रेसिपी होती है। आप इसे बनाएंगे, ट्राई करेंगे, तभी आपको पता चलेगा ये कितनी अच्छी रेसिपी है। ट्रेडिशनल चिकन है, हमारे यहाँ नस्लों से ये बनता चला आ रहा है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दही को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नीचे फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया था ताकि जो हमारी दही है वो फटे नहीं और अच्छी तरह से मसालों में मिल जाए। ये देखिए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुकी है अच्छी तरह से, और यहाँ पर अब हम अपनी फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, और ऊपर से लिड लगाकर हम बिल्कुल अपनी दही को भुन जाने तक और ऑयल सेपरेट कर देने तक इसे पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं दही इसमें अच्छी तरह से भुन गई है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर मैं पुदीने के सिर्फ 2-3 पत्ते, ये देखिए इस तरह से सिर्फ और सिर्फ खुशबू के लिए डाल रही हूँ। हमने इसमें इसका टेस्ट नहीं लाना है, सिर्फ हल्की सी खुशबू लानी है, इसलिए मैंने इसमें 3 पुदीने के पत्ते डाले हैं फ्रेश बिल्कुल। ये मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, मैं वहीं से तोड़ कर लाई हूँ अभी। ये फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से, जो हमारा चिकन है वो भी कुक हो चुका है, और अब हम ये नीचे फ्लेम बंद कर देंगे और मैं इसको अब आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। आप इसका शोरबा, इसकी ग्रेवी पतली या गाढ़ी अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली ना करें, थोड़ा मीडियम रखें या फिर ऐसा रखें जैसा मैंने रखा हुआ है, और तब आप इसे सर्व करें। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा चिकन, बहुत टेस्टी बना है। आप देख सकते हैं देखने में ही ये इतना टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी तैयार हुआ है। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी हमें बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और साइड में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे रेड कलर का लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे क्लिक करें, उस पर टैप करें, और उसके साइड में लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर 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 दबाएं, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक ज़बरदस्त सी और आसान रेसिपी लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।